में भाई हम एकदम पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ से नीचे वो नहीं जा रहा, सिर्फ हम ही दोनों यहाँ पे जाने के लिए खड़े हैं भाई। चलो ये किसी चीज़ का बोर्ड लगा है, फिरोज शाह मकबरा 1388 में बिल्ट हुआ था टॉम्ब। अभी मेरे को उतना कुछ पता नहीं है, अभी ये सारी चैनल एंड आई होप कि आप मेरे सारे पुराने वाले ब्लॉग्स इंजॉय कर रहे होंगे। देखो मैंने अभी नया नया वाला ट्राईपॉड मंगाया है अमेजोन से। इस समय बज रहे हैं सुबह के 11:30 और मैं अभी अभी सो के उठा हूँ, और मैं जो अभी ब्लॉग्स बनाने वाला हूँ इसको हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है मतलब ब्लॉग्स मुझे बनाए हुए, आई थिंक 1.5 साल बाद मैं ब्लॉग्स दोबारा से स्टार्ट कर। आप टाइटल देख के तो आई हो तो फिर इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं, अभी मैं बहुत अजीब सा लग रहा हूँ तो मैं अभी थोड़ी देर में बस तैयार होकर मिलता हूँ। ओके हो गया हूँ मैं इस समय तैयार, आ चुका हूँ नहा धो के। देखो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो टाइटल मैंने आपको दिखा दिया है तो इसके बाद मेरे को और कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ब्लॉग में क्या होने वाला है क्या नहीं। अभी मैं हौस खास की लोकेशन पे आपको ले जाने वाला हूँ। हौस खास की एक लोकेशन है, फर्स्ट है विजय मंडल, सेकेंड है हौस खास विलेज। विजय मंडल मैं पहले ही कवर कर दूंगा, हौस खास जो विलेज है उसको कवर करने में थोड़ा ज़्यादा मेरे को टाइम लगेगा। इस अनसीन दिल्ली का मैं सिर्फ एक ही एपिसोड नहीं निकालूंगा, इसके करीब मैं 10 या 15 एपिसोड निकालने की कोशिश करूँगा और इसकी मैं प्लेलिस्ट बनाऊँगा। एंड आई होप कि आपको ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। ये ऐसी जगह है जो है तो बहुत अच्छी बट दिल्ली में उतनी ज़्यादा मशहूर नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जितने भी आप में से व्लॉग्स देख रहे होंगे उनमें से शायद 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उन जगहों पे विजिट नहीं किया होगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा, ज़रूर देखना, फिर वहाँ पे एक्सप्लोर करने भी जाना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, आपको मज़ा भी उतना आएगा। 1 2 3 4 और लास्ट में मेरा सुपर फास्ट बुक चार्जर। समय मैं जिस फ्लोर पे रहता हूँ वो है 4th फ्लोर, और यहाँ से नीचे जाना या ऊपर चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस बिल्डिंग में लिफ्ट कुछ इस प्रकार है तो सही, मतलब अभी लगी नहीं है, ये बिल्डर थोड़ा चूतिया बिल्डर है जिससे मैंने ये बिल्डिंग ली है। मुझे मतलब नीचे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। चुके इस समय मैं मनीष से, और ये जो व्लॉग है वो दोनों हम दोनों भाई साथ ही करने वाले हैं। देखो अकेले बनाने में तो वैसे मजा आता नहीं, तो इसलिए मैंने पहले ही मनीष को बुला रखा, सारा इंतजाम पहले से ही मैंने बिठा रखा। अभी हम हौस खास मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं, यहाँ से निकल जाना, पहली लोकेशन है विजय मंडल, और इस समय नेविगेशन मेरे भाई ने ऑन कर दिया, और इसमें जो यहाँ से हौस खास मेट्रो स्टेशन से ये दिखा रहा है 600 मीटर, तो अभी जो 400 मीटर डिस्टेंस है वो अभी हमें चल के कवर करना पड़ेगा, और 400 मीटर चलने के बाद हम पहुँचेंगे विजय मंडल जो है हमारी फर्स्ट लोकेशन। इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि 3 लोकेशन कम से कम तो हम विजिट करेंगे ताकि व्लॉग थोड़ा बड़ा बने और अच्छा बने। अच्छा जो मैं व्लॉगिंग वो अभी 1.5 साल बात कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत जो अपना कॉन्फिडेंस है वो लेवल कम हो गया, थोड़ा लेवल कम हो गया, लेकिन कोई नहीं, कोशिश करेंगे अच्छा व्लॉग कवर करने। भाई ये कौन सी जगह है, कितना टाइम हो गया हौस खास आए हुए हमें? 1.5 साल हो गया भाई कम से कम। 1.5 साल, 1.5 साल तो भाई व्लॉग बनाए हुए भी हो गया। सो हियर इट इज, हम पहुंच चुके हैं इस समय विजय मंडल की लोकेशन पे, और अभी अंदर घुस के देखते हैं है कैसा। अभी बाहर से तो भाई कुछ पता चल नहीं रहा मेरे को कि अंदर से लोकेशन कैसी है। अच्छा गेट यहाँ पे भी है भाई मनीष, बट एक उधर से देखते हैं पीछे का लग रहा है, पीछे आगे से पीछे कुछ मजा नहीं आएगा यार। हाँ पीछे से घुसने में कुछ मजा भी नहीं आएगा, तो एक बार आगे से चल के देखते हैं। पीछे से थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है लोकेशन, पर चढ़ भी पाएंगे हम? ये जगह है कैसी, क्योंकि यहाँ पे मैंने भी कभी विजिट नहीं किया, तो फिर अब देखते हैं। अभी यहाँ से तो कुछ खास लग नहीं रहा इस लोकेशन में, मतलब पहले तो मेरे को लगा था कि काफ़ी सही लोकेशन होगी, बट यहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा। देखने में लग रहा है तेरे को? नहीं यार, अब देखते हैं ऊपर चल के देखते हैं क्या है। नहीं अभी यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही है, और ये मतलब
यहाँ पे भी है थोड़ा, मतलब थोड़ी प्राचीन टाइप की लोकेशन है। अच्छा मैं इसके बारे में अभी एक बात बताऊँ, तो ये जो जगह है वो अलाउद्दीन खिलजी ने 14th century में बनाई थी। बता भाई मनीष भाई, सही बात है। मैंने अभी भी पढ़ा, अभी ऐसे को लग रहा हूँ हाइकिंग कर रहे हैं। हाइकिंग इस साल मैं व्लॉग बनाने आया, हाइकिंग करने आया हूँ। थोड़ी अलग ही टाइप की भाई, जंगल टाइप की जगह है। अभी देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या खास है। वैसे मेरे को तो बताया गया था कि काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन अभी पता नहीं, एक्सप्लोर करके पता चलेगा। उधर जाना पड़ता है पीछे से। OTGB अपने पास कोट वाला होगा, 16 GB की पेन ड्राइव लेके आया है, स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे चिंता मत, मेरे में 10-12 GB में खाली करके लाया हूँ व्लॉग बनाने के लिए। यार फुल HD मतलब 4K वीडियोस। अच्छा 4K। अच्छा देखो अभी शायद हमें इसके ऊपर भी चढ़ना है। अभी यार ये तो मतलब एकदम प्राचीन टाइप लोकेशन लग रही है, कुछ खतरनाक ऐसा लग रहा है। क्या भाई हॉन्टेड जगह तो नहीं है? वैसे मैंने तो सुना था विजिटर्स के लिए आ रही जगह, बट यार कुछ आवाज से आ रही है, पता नहीं क्या है, देखते हैं चल के। अरे भाई ये आगे का लोकेशन देख। अच्छा 14th century में ना सब कुछ पत्थर का ही बनता था यहाँ पे। यहाँ पे देख भाई मनीष, सब कुछ पत्थर का ही बना हुआ है भाई। पत्थरों में कैसे राज करते होंगे यार, बड़ा खतरनाक है यार, बहुत ज्यादा। अभी देखते हैं अंदर से ये जगह कैसी है, क्योंकि भाई ये तो मतलब अलग सी जगह मेरे को लग रही है, डरावनी से हॉन्टेड टाइप की। SID दिल से दिल क्या क्या है माउस पता नहीं कुछ बेला। यहाँ पे देखो किसी आशिक ने अपनी प्रेमिका का नाम लिखा है, क्या लिखा हुआ है? भाई यहाँ पे आ रही है गुफा वाली फीलिंग। ये है क्या भाई? कुंभत होता है, कुंभत कुछ लगता है। यहाँ पे बीच में राजा बैठता होगा, बगल में सिपाही बैठता होगा, उसके अगल बगल में उसके क्या कहते हैं दोस्त। चल उस समय दोस्त निभा करते थे भाई। माई वे सीडी कहाँ से आ गई? मैं चलना साले। ऐसे जगह सुनसान बहुत ज्यादा है, और ये कह रहा है काश हमारे बापरोला के साइड भी होता है, बड़ा मजा आता है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ जगह का मेरे को उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मतलब कहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं मुझे खुद यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो फिर आई डोंट थिंक यहाँ पे चलना उतना सेफ है। अभी पता नहीं यार भाई, पहले ही रिकमेंड कर रहा हूँ कि मत आना, थोड़ी खतरनाक टाइप की जगह है। आना भाई कपल्स जरूर आना, कपल्स जरूर आना, सेफ्टी लेके आना। सीढ़ी आ गई यहाँ पे, थक गया भाई सीढ़ी चढ़ चढ़ के। नहीं यार इसके आसपास कॉलोनीज बहुत सारी है, मतलब इस जगह का कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी देखते हैं आगे क्या है। अलग ही जगह पहुँच गए भाई। बाहर देखते हैं, बाहर से देखने में तो काफ़ी छोटी जगह लग रही थी, लेकिन अंदर से ये थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी है। और इस पर कुंडी लगी हुई, क्या लगा हुआ है? क्या अंदर जा सकते हैं इसके? नहीं जा सकते। कोई नहीं, जाना भी नहीं है, कुछ खतरनाक होगा भाई जब भी कुंडी उंडी लगी हुई। क्या यार कहीं से टूरिस्ट प्लेस मेरे को लग नहीं रही भाई मनीष, ये अलग ही प्राचीन टाइप की जगह है। बस मुझे जितना पता है 14th century में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, 14th century की बनी हुई, अब तक मजबूत है। खैर उस टाइम की जो बिल्डिंग वगैरह वो भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाई जाती थी, ताकि टिके भी लंबे टाइम तक। और यहाँ पे कोई गवर्नमेंट वर्कर भी नहीं है जो है कि मेंटेनेंस रखता होगा। तूने देखा अब तक यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट या फिर गार्ड वगैरह कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, चेकिंग वगैरह मतलब कोई भी आ सकता है यहाँ पे, कोई भी जा सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई मना नहीं, कोई भी कुछ भी कर सकता है भाई। जिसको मना आना हो, मन करे विजिट करने का, आओ विजिट करो। उतना कुछ खास है नहीं यहाँ पे, अगर कुछ खास होता तो मैं आपको ज़रूर बताता, बट हाँ मतलब ये है कि जिसको सुनसान जगह थोड़ी ज़्यादा पसंद है वो आ सकते हो। हाँ और एरोप्लेन भी यहाँ से बहुत सारे मतलब जाते हैं, क्योंकि हॉस देखो जगह तो ये ठीक है, लेकिन मैं इस जगह को रिकमेंड नहीं करने वाला, क्योंकि भाई ये जगह है ठीक है मतलब घूमने के लिए ठीक है भाई, हाँ ऐसे, लेकिन जो ये मतलब ये जगह सुनसान कुछ ज़्यादा ही है, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा भाई। मैं इतनी दूर में घूम लिया, कुछ एक आध लोग ही मेरे को अब तक नज़र आए, कोई अब तक नज़र नहीं आया, मतलब
जो देखो कपल्स को मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, आना है तो आना, ठीक है। सुनसान एक होता है कि नॉर्मल सुनसान जहाँ पे भाई लोग अपना टाइम बिता सकते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही सुनसान है, और मतलब थोड़ा हॉन्टेड टाइप वाली भी फीलिंग आती है भाई। तो और ठीक इसको है, हॉन्टेड का मजा लेना आ जाओ भाई। हाँ हॉन्टेड का मज़ा लेना आ जाओ, अदरवाइज़ ठीक है। और इसके आसपास वो भी है, देख सकते हो एरोप्लेन आपको दिख रहा है, इसके आसपास कौन सा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इसके आसपास हुआ, तो एरोप्लेन्स वगैरह यहाँ से जाते रहते हैं, बट नॉट रिकमेंडेड। अभी कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रहे हैं हम जहाँ पे बैठ के हम कुछ खा सके। भाई संतरे, तेरे पास संतरे? हाँ भाई, ये रे देखो। संतरे देखो, यहाँ का सफर अब हमारा खत्म हो चुका है, अब इससे ज्यादा मैं यहाँ पे शूट नहीं करने वाला, तो अब चलते हैं अपनी दूसरी लोकेशन में जो है हॉस्कास विलेज। हॉस्कास विलेज बहुत छोटा नहीं है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो वहाँ पे मुझे आपको बहुत सारी जगह दिखानी है, तो फिर आगे यहाँ पे कह रहे हैं। हॉस्कास विलेज, इस समय हम पहुँच चुके हैं हॉस्कास विलेज। अभी मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, अभी मेरे को पता नहीं यहाँ पे कैसी कैसी जगह है, तो अभी मैं जगह विजिट करता हूँ। और कोई अभी तो भूख भी बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई है भाई, हाँ भाई, तो वो अच्छी सी जगह दिखती है, तो वहाँ पे खाते पीते भी आराम से बैठ के पहले देखते हैं कि जगह कैसी है। कपल्स के लिए काफ़ी अच्छी है, अगर कपल्स को यहाँ पे आना हो तो ज़रूर आना, और काफ़ी क्राउडेड जगह भी है। देखो अब तक मैं बहुत सारे कपल्स को यहाँ पे देख चुका हूँ, जितने भी दिख रहे हैं सारे के सारे कपल्स ही है, और मतलब एक तरीके का ना एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप है। यहाँ पे क्रिएटिविटी वाली चीज़ें आपको काफ़ी मिल जाएंगी, मतलब शॉप वगैरह यहाँ पे बहुत सारी है, एक शॉप भी बहुत सारी है, आप जितनी भी शॉप भी देख लो आपको हर शॉप में यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी टाइप का कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और ये छोटी जगह नहीं है, ये बहुत बड़ी जगह है। रुको मैं अभी आपको एक्सप्लोर करा रहा हूँ ना, तो धीरे धीरे एक्सप्लोर कराता हूँ, बस देखते जाओगे। अभी जैसे जैसे हम अंदर आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें यहाँ पे एक चीज़ दिख गई जहाँ पे मैं विज़िट करना चाहता था, वो है हॉस्कास फोर्ट। अभी अंदर जाके देखते हैं जगह क्या, इसके बारे में बहुत ही बहुत अच्छी जगह है। इसके अंदर एक नदी भी है, नदी भी है ना इसके अंदर, पता नहीं, देखते हैं अब चलते हैं। अभी देखते हैं कि जगह कैसी है। पेमेंट हो गया सक्सेसफुल, अब ये हमें हॉस्कास फोर्ट के अंदर घुसने देंगे। भाई बहुत दिमाग ख़राब हो गया पेमेंट करते करते। देखो आने से पहले आपको इसमें बहुत दिक्कत होगी इनकी टिकट लेने में, क्योंकि इनकी जो टिकट है पहले आपको पेटीएम से पे करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है तो ये लोग कैश ले नहीं रहे, और पेटीएम का जो प्रिंटआउट आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, आप फ़ोनपे या गूगल पे इनकी वेबसाइट पर जाके बस पे कर देना और अंदर आके अपनी एंट्री ले लेना। अभी देखते हैं जगह कैसी है, यहाँ से तो ठीक लग रही है, अभी अंदर देखते हैं। यहाँ पे नदी भी है, नदी भी है, मैंने सुना नदी है यहाँ पे, अभी तो विजिट ही किया तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। बच्चों की तरह लटकने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और मनीष मेरे साथ है, और पीछे देख रहे हो वो जगह, देख लो ये पीछे से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो अभी उधर भी चलते हैं, उधर के कुछ शॉट्स मैं अभी आपको लेके दिखाता हूँ। मनीष भाई DSLR की याद आ गई भाई, जगह को देख के बहुत ही फोटोजेनिक जगह है, और कपल्स को आना तो ज़रूर आना, वैसे फ़ोटोज़ के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। ये देखो ये थोड़ा हुमायूं टॉम जैसा लुक आ रहा है यहाँ पे, है ना यहाँ पे फ़ोटो, हाँ ये भी थोड़ी फोटोजेनिक जगह है, तो मैं यहाँ पे अपने थोड़े फ़ोटो शूट्स वगैरह लेता हूँ। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जा सकते हैं क्या, तो पता नहीं, गेट तो खुला हुआ है, अभी अंदर जा सकते नहीं जा सकते वो मुझे नहीं पता भाई, कोई नहीं जा रहा, सिर्फ हम ही दोनों यहाँ पे जाने के लिए खड़े। क्या लिखा हुआ है, अभी शायद समाधि है या फिर क्या है, मेरे को करेक्टली तो नहीं पता, बट हाँ थोड़ा गुफा जैसा लग रहा है। चलो ये किसी चीज़ का बोर्ड लगा हुआ है, फिरोज शाह मकबरा, फिरोज शाह मकबरा 1388 में बिल्ट हुआ था टॉम्ब, अभी मेरे को उतना कुछ पता नहीं है, अभी ये सारी चीज़ें बाद में करेंगे। और अब हम जा रहे हैं पश्चिमी भाग में, और यहाँ पे भी थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे भी आज ये पत्थर दिखना बंद ही नहीं हो रहा, अच्छा पुरानी जितनी भी चीज़ें बनती थी ना ईंट से कुछ नहीं बनता था भाई, सब पत्थर से ही बनता था। अच्छा इसलिए मैं कह रहा था कि फोटोजेनिक के लिए वन ऑफ द बेस्ट एरिया है, आप ज़रूर आना मेरा फोटोज के शौक है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नज़र आ रहे हैं सबको सब फोटो खिंचा रहे हैं भाई मनीष, यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है आपका। समय भाई हम एकदम पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ से नीचे एकदम फिर पूरा ही नीचे है,
चल बैग उठा ले यार, चलते हैं अब ये पूरी जगह दिखानी। क्या करना है यहाँ पे, हर जगह साले तेरी फोटो ही लेता रूम में। अच्छा ये क्या भाई, वो जो प्राचीन जगह पे बिजली भी होती है क्या? कहाँ बिजली, कहाँ बिजली, कहाँ बिजली है साले, वो देख लाइट जल रही है अंदर। वो तो अभी लगाया गया मेरे हिसाब से, अभी लगाया गया शौचालय है वो। कहाँ से नहीं दिखेगा 2001 में। अच्छा भाई अब ये हमें पता नहीं भाई, बट हम ऐसे कह रहे हैं। अब ये कौन सी जगह जा रहे हैं भाई हम, यहाँ से हमें सीढ़ी उतरना पड़ेगा। अभी देखते हैं नीचे उतर के जगह है कौन सी। जेल वेल है क्या? अभी देखो यहाँ पे जेल लगी हुई है, इसके अंदर क्या शायद उस टाइम पे यहाँ पे जेल में कैद रखे। क्या रास्ता है, कहाँ जाते हो? बाहर। अच्छा हाँ यहाँ से ये गुफा यहाँ पे आके खुलती है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे कुछ और ही नज़र आ रहा है भाई। वैसे बहुत सारे खाली खाली क्यों है यार मनीष, मतलब खाली उसके अंदर क्या होता होगा, रूम होता होगा उसमें, ये मिट्टी का रूम होता होगा। हमें लाइट मारना यार मुँह पे, ये मिट्टी का रूम होता होगा और यहाँ पे मतलब बंदे रहते होंगे यहाँ पे इतने छोटे रूम में, हो सकता है भाई कुछ नहीं भगवान भगवान की मूर्ति शायद उसमें यहाँ पे रखी जाती होगी, मुझे ऐसा लगता है। अभी पता नहीं यहाँ पे होता क्या होगा, वो मुझे भी नहीं पता। अच्छा ये जितना एरिया है इससे पीछे तक का एरिया ये सारा आता है हौज का स्पॉट में, बट जो ये वाला एरिया आ जाता है ये हौज का स्पॉट में नहीं आता, ये डियर पार्क में आता है। मैंने इसी डियर पार्क में आता है ना, ये डियर पार्क में आता है। और ये जो नदी भी है, मतलब ये जो छोटी सी लेक है, नदी को नहीं कह सकते, नॉर्मल तालाब है, यहाँ पे झरने वरने दो तीन लगा रखे हैं उन्होंने, ये आता है डियर पार्क में। डियर पार्क भी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन भाई अब अंधेरा हो चुका है, अब वहाँ पर विजिट करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन हम फिर भी उधर से जाते वक्त हम एक बार विजिट करेंगे यहाँ पे। और देखो फोटोजेनिक के लिए आना है तो प्लीज़ फोटो खिंचाने की जरूरत, 20 रुपये बस इनकी फीस है, 20 रुपये से ज़्यादा तो नहीं थी, 20 रुपये हम दोनों ने 40 रुपये फीस दे दी, पर पर्सन 20 रुपये। तो ज़रूर आओ, बहुत ही ज़्यादा ठीक जगह है फोटोज़ के लिए, फोटोज़ के लिए, अदर देन कुछ नहीं, अदर आप कपल्स भी हो तो भी ठीक है। अच्छा भाई ऊपर से का सीन सपाट अब खत्म हो चुका है। मेरे एपिसोड में जितना मुझे हौस का स्पॉट दिखाना था उतना मैं दिखा चुका हूँ। इसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, टॉयलेट नहीं है, कुछ और ही है। अभी ये पता नहीं क्या है, हाँ ये शौचालय ही है साले। आ जा, जितना हमें घूमना था भाई हम घूम चुके हैं। और आई होप कि आपको जगह बहुत पसंद आई होगी। हौस का स्पॉट वैसे काफ़ी जानी मानी जगह है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप में से लोग जानते नहीं होंगे, नहीं दिल्ली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आई डोंट थिंक हौस खास में विजिट किया है, बट हाँ फोटोज़ के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है और मोस्टली रिकमेंडेड। भाई फ्लैश मार दिया मुझे, बड़ा अंधेरा अंधेरा हो रहा है। सिर्फ दांत ही दिख रहा है भाई मेरे, ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस है भाई, ज़रूर आना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, दांत फ्लैश। अच्छा अभी ऐसे जाके देखते हैं कि हौस खास फोर्ट के बाहर विलेज भी है जो हमने अभी पूरा एक्सप्लोर नहीं किया, अभी हमने पूरा एक्सप्लोर नहीं लेट किया हो यार, तो उसको भी जाके अंधेरा हो चुका है। गार्ड हमें आके बोल चुका है प्लीज़ आप जाइए, क्योंकि आप लोग देख लो बहुत कम लोग बचे हैं। वैसे काफ़ी क्राउडेड जगह है और कोरोना से तो कोई भी नहीं डर रहा है यहाँ पे। हमने मास्क नहीं लगाया, मैंने अब तक किसी को नहीं देखा कि कोई मास्क लगा के घूम रहा है, बट हाँ हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। अभी इससे मैं क्या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करूँ, इसके साथ तो मैं, उसके साथ मैंने अभी खाना भी खाया, तो इसके साथ क्या सोशल डिस्टेंसिंग। तो देखो और ये बहुत ही अच्छी जगह है, कुछ नहीं दिख रहा, एकदम नाइट हो चुका है यहाँ पे, पूरा सही लाइटिंग आ रही है ऊपर, है ना। अब हम हो चुके हैं भाई एग्जिट, और यहाँ पे फिर हौस खास विलेज की नाइट लाइफ चालू हो जाती है। तो यही चीज़ मैं अभी शूट करने के मूड में, मेरा बहुत पेट भर चुका है शूट कर करके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय टाटा सी यू हुर्रे बाय। फिज पिएगा इंडिगो जा रही है, इंडिगो।